शीशा खान पीर रोड पर गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से किया हमला। हमले में युवक हुआ गंभीर घायल। शुक्रवार को शीशा खान पीर रोड पर गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में बीच बचाव करने आए अशरफ नामक युवक पर दूसरे पक्ष ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अशरफ के बड़े भाई हनीफ अब्बासी ने बताया कि अंदरकोट के रहने वाला फैजाद को जब गाड़ी पीछे करने को बोला था उसने झगड़ा शुरू कर दिया। बातचीत गाली गलौज तक पहुंची तो उसने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुलाया और बीच बचाव करने आए छोटे भाई अशरफ पर चाकू से हमला कर उसके मुंह को लहूलुहान कर दिया, जिसमें उसका गाल कट कर लटक गया है। सूचना पर तत्काल क्लाकटावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। सर, गाड़ी आगे पीछे करने की जगह में हुआ, मैं कहीं से काम कर आ रहा था, उस भाई को मैंने बोला भाई गाड़ी थोड़ी पीछे कर ले, उसने नहीं सुना, बोला मैं नहीं करूँगा गाली। फिर गाली गुप्ता करने लग गया, मैंने भी गाली गुप्ता करी, उसने मेरे पे हाथ छोड़ा, मैंने भी उस पर हाथ छोड़ा, मेरे को बोला 5 मिनट रुक मैं बुला रहा हूँ, मैंने बुला ले भाई किसको बुला रहा, उसने फिर 5-6 जने आए, आते ही आदमी उन्होंने हाथापाई करी, मेरे पड़ोस में सब्जी की दुकान थी उसकी सारी सब्जियाँ फेंक दी। उसके बाद में फिर 4-5 जने और आए बीच बचाव के अंदर, मोहल्ले वालों ने भी बीच बचाव कराया, वो नहीं माने, हमने थाने में फ़ोन करा, थाने वाले आए, इससे पहले मेरे भाई के उन्होंने चाकू मार दिया। किस तरीके से घायल हुआ? पूरा उसका इस एरिया का पूरा खाल लटक चुकी है, दाद वर से बाहर आ चुके हैं। किस जगह हुआ यार? ये शीशा खान पी रोड लोटनचा मस्जिद। कौन सा थाना? क्लाकटावर। आपके भाई का नाम? अशरफ। वहीं क्लाकटावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची तो वहां घायल हुए अशरफ को लेकर अस्पताल लाया गया है। वहीं मौके से सलमान नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जिसके भी मामूली चोट लगी है। इसके अलावा अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है। शीशा खान पीर रोड पे आपस में झगड़ा होने की बात सामने आने पर थाने से जाप्ता रवाना हुआ था। वहाँ जाके उन्होंने देखा तो एक शीशा खान का जो अशरफ नाम का लड़का है, इसका अंदरकोट के फैजाद नाम के एक लड़के से मोटरसाइकिल साइड में लेने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इस बात पर उस फैजाद ने फ़ोन करके अपने जीजा को और अन्य उसके जो साथियों को बुला लिया था, जिस पर आते ही इनके वापस झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में इसने अशरफ के चेहरे पे उन्होंने कोई धारदार किसी हथियार से इसने चोट मार दी। इसको अशरफ को हम हॉस्पिटल लेके आए और मौके पे हमारे को एक सलमान नाम का जो झगड़ा करने वाला व्यक्ति मिला था उसको हमने, उसके भी चोट लगी हुई है, उसको भी हमने डिटेन किया है और आगे जो भी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये 3-4 व्यक्ति बता रहे हैं जो झगड़ा करने आए थे अंदरकोट से, वो 3-4 व्यक्ति बता रहे हैं।